अस्सलाम वालेकुम, मैं सोशल एक्टिविस्ट चौधरी फवाद। आप लोगों को बताना ये था कि कल मुझे काफ़ी दोस्तों ने प्राइवेट में मैसेजेस किए, कॉल्स आई कि फवाद भी, जो आपने कल व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर वीडियो लगाई थी वो था क्या, हमें नहीं समझ आया। तो मैंने कहा उसकी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बता दूँ कि वो क्या चीज़ थी। असल आपने मेरा थोड़े दिन पहले स्टेटस देखा था, दो या चार दिन पहले मैंने सेमेस्टर की उसकी फ़ीस के लिए मैंने स्टेटस अपलोड किया था अपना व्हाट्सएप स्टेटस, जिसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो डोनर्स हैं उन्होंने मुझे कॉल की, बुलाया और बुला के उन्होंने वो मेरे हाथ में, मतलब जो मुझे जो रिक्वायर्ड अमाउंट थी वो उन्होंने मुझे दी, तो वो उन तक मैंने पहुँचाई। तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन के अंदर जल्दी जल्दी में कुछ शूट हो गया, जिसकी वजह से वो प्रॉपर वे में वो सीक्वेंस में आ नहीं सकी वो चीज़। बहुत मैंने इसके ऊपर वर्क भी किया, आगे दोस्तों को भी बोला, लेकिन वो प्रॉपर उसका साउंड हमने क्लियर नहीं कर सके। थोड़ा सा और मैं बता दूं कि मेरे जो डोनर्स हैं वो लिमिटेड हो गए हैं, जिनको मुझे ये चीज़ें दिखाना होती हैं। मेरे ज़्यादातर जो डोनर्स हैं वो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे, जो कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री आपके सामने है कि कोविड की वजह से, कोविड जो इतना फैल रहा है उसकी वजह से इन और आउटडोर दोनों उन्होंने बैन कर दिए हैं, जिसकी वजह से अब लिमिटेड हो गए हैं डोनर्स। तो बहरहाल मेरी आपसे अपील है, दुआ भी है कि अल्लाह ताला हम सब के ऊपर रहम फरमाए। ये जो मुझी मर्ज़ है हमारे सर पे जो मुसल्लत है कोविड का, कोरोना का, अल्लाह ताला इससे हम सबको महफूज रखे और हमेशा के लिए निजात दे दे पूरी दुनिया को। इस वक्त आपको पता ही है कि पाकिस्तान समेत काफ़ी फॉरेन कंट्रीज़ भी हैं, जिनमें सऊदी अरब, सिडनी, जर्मनी, अमेरिका और भी काफ़ी ममालिक हैं जो मुकम्मल जहां पर लॉकडाउन है। और यहां पर पता ही चल रहा है कि सिंध के अंदर भी जो जुमे से मे भी के मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ हम जा रहे हैं। तो मेरी सिंध गवर्नमेंट से भी है कि सफ़ेद पोश लोगों का ख्याल रखें जो कि इस लॉकडाउन की वजह से इफ़ेक्टेड होंगे। और मैं आपसे ये भी अपील करूंगा कि मेरे डोनर्स के लिए भी दुआ कीजिएगा, जिनमें राशिद साहब, तजम्मुल साहब और भी लोग हैं, जिनमें वसीम भाई हैं, मोहिब भाई हैं और भी काफ़ी लोग हैं, और एक मेरी बहन है जो मेरे ख़ैर नाराज़ हो चुकी हैं, और क्योंकि उनके साथ कोई मसला मसाइल हो गया था और मैं चाह के भी उनकी हेल्प नहीं कर पाया। तो उनके लिए भी दुआ कीजिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि मेरा ये सोशल जो नेटवर्क है, जो मेरा काम है, ये जारी सारी रहे और मैं इसी तरह लोगों की खिदमत करता रहूं। थैंक यू सो मच।